शुभाचरम तत्पुरुम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्म सागर प्रभु जी के प्रेमी भक्तों, भाई और बहनों, ये सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु जी के चरण में आकर सत्संग करते हैं और प्रभु जी आशीर्वाद देते हैं और जो शिक्षा यहाँ मिलती है इस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। परंतु हमें और जश्न करना चाहिए कि हम प्रभु के आदर्शों पर चले। क्योंकि आज संसार के अंदर ज्ञान तो पुस्तकों में है लेकिन ज्ञान की कमी है। वैसे आत्म हमारे भंडारों में है लेकिन लोग फिर भी भूखे हैं। ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है लेकिन फिर भी रेत में बैठे लोग सड़ रहे हैं। जितनी हिंदुस्तान की आबादी है कम से कम अंदाजे में उसकी एक वन ओवर टेन तो आज सेवा के ऊपर बैठे होंगे। ना कपड़े हैं ना कुछ है। ये जो बैलेंस नहीं होता तो उसे प्रभु खुद आकर सचेत करते हैं कि कुछ करो। इस तरह ये तो भौतिक चीज हुई। पुस्तकों में ज्ञान बहुत है। जो ज्ञान हमारी पुस्तकों में है संसार के किसी साहित्य में नहीं है। वो तो हमारे साथी के सामने बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान होते हुए भी अज्ञान की कमी नहीं है। जितना हमारे पास ज्ञान है उसका 100 हिस्सा भी जनता में नहीं है। कारण ये है कि जैसे धन को होने पर भी धन जनता तक नहीं पहुंचा, ऐसे ज्ञान होते हुए ज्ञान जनता तक नहीं पहुंचा और धन होते हुए भी जिनके पास नहीं है उनको लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। इस तरह ज्ञान होने पर भी आज जिनके पास नहीं ज्ञान उनको अज्ञानी बना रहे हैं। आपको कैसे जिनके पास धन है वो धन दूसरों से लूट रहे हैं। जिनको ज्ञान चाहिए, जिनका ज्ञान का अधिकार है वो लोगों को अज्ञानी बना रहे हैं। हमारे ऋषि ने कहा था ब्राह्मण ज्ञान का खजाना है, वहां से ज्ञान मिलेगा। लेकिन हमें वहां से ज्ञान नहीं मिल रहा। अगर कोई पूछते भी हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वेद शास्त्र पढ़ नहीं है। ज्ञान यही देते हैं कि अगर तुम्हारा पुत्र पैदा हुआ तो देखा वो गंध में पैदा हुआ है, हमसे भवन करा लो। ये अज्ञान का पैदा कर दिया। वो सरस्वती में पैदा हुआ है, ये मान लीजिए बोझ है, कुछ करो। ये लड़की है, ये मंगलिक है,
इसका शरीर मर जाएगा, मर शादी करो। क्या ज्ञान है? जो ब्राह्मण है जिन्हें ज्ञान नहीं था वो अज्ञान फैला रहे। और वो अज्ञान जो है तुम इस ज्ञान पैदा हो, तुम्हारी उम्र छोटी होगी इसलिए तुम ये योग कर लो। वो औरतों को ऐसे अज्ञान में डाल रहे हैं और औरतें अपने मर्दों को कह रही हैं, मर्द भी कह नहीं मर न मर्दों में ज्ञान का विशाल विकास हो जाए न औरतों का। और बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, वही पंडित आते हैं लाख रुपया लेकर चार दिन का उपदेश करते हैं। ये क्या ज्ञान है? ज्ञान बांटने वाले बेच रहे हैं, इसमें बड़े पैसा भी है। ऐसी तैसे नहीं, जैसे मैं सत्संग हो रहा है उपनिषद में कथा आती है, एक बार निशान रखता कि बातें हो रही थी, कुछ अच्छे लोग थे कुछ बुरे लोग थे, मिक्स होता है, आकाशवाणी हुई तीन दफा। ये उपनिषद का बात मैं नहीं कर रहा, दा 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 सुनाई क्या दिया, दा 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 उपनिषद की बात मैं नहीं, कुछ सच्चे लोग थे, समझदार भी थे, हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पर, बहुत समझ लायक लोग बैठे। मैं देखो ये शास्त्रों में जो है वही बताया कि हमें क्या करना चाहिए। एक दा का मतलब है दान करो, हमें दान करने को एक दा का मतलब है दया करो, और एक दा का मतलब है दमन करो। समझिए दान दया और दमन, सारी गीता पढ़ लो यही कुछ उपदेश मिलेगा, और आकाशवाणी से सुना तो क्या करें, सत्संग आते करो कुछ। दान क्या होता है? जो तुम्हारे पास है उसको दो बांटो, ये दान। और जो अत्याचारी हैं, लोगों को पीस रहे हैं चूस रहे हैं, वो दया करो लोगों पर, और जो साधारण जो लोग हैं हम जैसे, सारी जनता ऐसे ही है, वो अपनी इंद्रियों का संयम करें, नम्र करें। अब एक एक चीज में बड़ा विस्तार होता है। ये संयम तो योग की पहली चीज है, व्यायाम, लेकिन हम सुन जाते हैं अमल में नहीं लाते। वो आकाश बनने का सत्संग में हो तो अमल में नहीं लाओ, सुनते हो। अगर कड़वा बोलते हो
Tum madhur bolo, बहुत चटकारे हो तो जुबान पर कंट्रोल करो, बीमार हो जाओगे। और अगर बहुत सिनेमा देखते हो, थिएटर देखते हो, टीवी देखते हो, कम देखो। और बहुत ऐसी ऐसी सीरियल देखकर कानों को खराब करते हो तो मत सुनो, कम सुनो। संयम, कानों का संयम, जुबान का संयम, जिह्वा का संयम, और संयम तो दस इंद्रियों का ही है, तो इस पर विचार करना चाहिए। हम शास्त्रों में आते हैं, वो जो आकाशवाणी थी वो समझो आध्यात्मिक थी, पर प्रभु जी हमें यही कह रहे हैं कि हम जो उपदेश होता है गीता पढ़ते हैं उस पर अमल भी करें। अगर आदमी हम सब एक जैसे ही हैं, अगर अपने इंद्रियों पर संयम करने लग जाए तो हम बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हम कई बार हमारे हाथ में वो कंट्रोल में रहते, हम बच्चे को मार देते, संयम क्यों आते हैं? तो संयम बड़ी जरूरी चीज है, दम दम यम भी कहते हैं इसको। और आज ब्याह का तो नाम ही नहीं है, आज तो हम देखते हैं निर्दयी लोगों की हत्या हो रही है, बम चलता है कई मारे जाते कि दिया तो है नहीं। और दिया ये भी नहीं कि एक गरीब है, अमीर देख लेगा, हंस रहा है, ये नहीं कि तो दिया कर कोई देख। सर्दी में तरस रहा है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन सर्दी पर उनसे सर्दी बचाते नहीं। वैसे यही देखिए, हर एक शहर में है, कितनी सर्दी पड़ रही है, हम कपड़े सिलवाते हैं, हीटर देते हैं, वो करते हैं, पंख, लेकिन हम जितनी आबादी हमारी है, इतनी आबादी वो है जिनके पास ही कपड़े तक नहीं है, हीटर क्या हुआ, पता ही क्या है कि बात करते, किसी को दिया नहीं है। आगे होती थी कि लोग सलाम बना देते थे, वहां जाकर आराम कर लो, आज सलाम भी नहीं कर। आज वो चीजें खत्म और खत्म हो रही हैं। तो दिया का पैसा, लेकिन दान तो दान जो है, दान बड़ी जरूरी चीज है, जो है तो हर एक वर्ष कुछ ना कुछ होता ही है ना, किसी को धन है, किसी को विद्या है, ज्ञान है, कुछ है, शरीर है, तो
दान देने के लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ती है। गीता में है दान सात्विक भाषिक और तामसिक होते हैं। आज अगर दान जिनके पास है कुछ देते हैं, लेकिन या तामसिक रूप से या भाषिक रूप से, सात्विक दान को नहीं। तामसिक दान होता है जिसको दिया जाए वो उसका दुरुपयोग करते हैं। और इसका जो दोष है देने वाले को भी लगता है। और राशिक दान वो होता है जो अपने यश के लिए दिया जाता है, तो हमें कोई नाम होगा। तो दोनों दान है जो करने करते हैं, लेकिन सात्विक दान तो बहुत कम होता है। सात्विक दान के लिए ये सुन करना पड़ता है, किन को जरूरत है, और उनके पास खुद जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। हम धन की ध्यान बात नहीं करेंगे, दान से लोग ध्यान से नहीं होता, ज्ञान का भी होता है। और जैसे मैंने कहा आज ज्ञान का दान तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो भी नहीं है। क्यों? जो जिनके पास होना चाहिए उनके पास है भी नहीं, और होने का अगर अहंकार करते हैं हम है तो अज्ञान फैला रहे हैं। अब एक कल एक परसों पहले भगत आया, भगत है लड़का पैदा हुआ। हमने कहा भाई अगर कुछ पूछना हो तो उन लोगों से ना पूछो जिनके पास ज्ञान है ही नहीं, तो अज्ञानी का जगह ही मेरे लड़के की पुत्री है। बट ये गंड मूल्य पैदा हुआ बहुत बुरा है हमारे लिए। कहना पड़ने क्या करूँ, कुछ कराओ हमें बंद करना है वो कह। मैं देखो एक सौ आदमी कैसे पता लगा उसको, लेकिन अगर भगवान ने ऐसा ही उसका प्रारब्ध बनाया है तो एक बार तो बोल सकता है, तो पंडित भगवान से भी बोलोगे। यह ज्ञान बहुत प्यार है। और कई चीजें कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी पंतों ने मंग ली, कई लड़कों की जिंदगी खराब कर दी, कई बच्चों को गुमराह कर दिया, और बड़े बड़े विद्वानों को भी गुमराह कर दिया कि तुम्हारा ये मुहूर्त निकलेगा तब काम करना है। दुनिया की पार्लियामेंट होती हैं, उनके सेशन होते हैं, वो सेरेमनी होती है, मुहूर्त निकालते हैं कोई। और हमारे हिंदुस्तान है जहाँ तो बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं कितना पढ़ा था नहीं पढ़ा था, डेट निकाल ली। इस क्षण मुहूर्त है पार्लियामेंट का, इस वक्त वो सेरेमनी चाहिए। सब विद्वानों को अपने दिशा लगा लिया, एक अज्ञानी ने अपने दिशा लगा लिया। ये हमारा देश है। अब हम कहते हैं कि ज्ञान की बजाय अज्ञान फैला है। रात को सत्संग कर रहे थे, गीता कुछ पढ़ते हैं, एक घंटा प्रश्न होते होते हैं,
एक बहन ने कहा, देखो आप तो यह हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये ज्ञान सोसाइटी में नहीं है, कोई पढ़। मैं ठीक है, जो ज्ञान देने के अधिकारी हैं वो जो ज्ञान फैला रहे हैं, और जिनके पास स्विच है वो पैसा लेकर आते हैं और कसा करके चले जाते हैं, लोगों के संशय निवृत्त नहीं होते। क्या किया जाए, भावना होती है जो कि हम तो देखो रोज गीता का वेद का चर्चा करते हैं, कोई हमारे भाव बात होती है पूछ लेते हैं, समाधि कहाँ है। मैंने कहा फिर क्या किया जाए, करना क्या है, देख लो, देखने की बात नहीं है। आज आश्रम में आने वाले बहने और भाई बहुत हैं जिनको रामायण पढ़ते हैं पवि की, और गीता पढ़ते हैं और उपदेश सुनते रहते हैं, तो ज्ञान है तो है रे, क्या अपने संभाल के रखने के लिए, सिंदूक में बंद करने के लिए ज्ञान। एक भाई और बहन जो है आम, उसके कुछ भी पता नहीं है गीता क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं पढ़ते हैं तो आपको पता है तो बांटो, नहीं संभाल के रखना, तो कुछ ना कुछ करने से, करने से लाभ होगा और पुण्य भी होगा, क्या दो तो दान दो, तो जो भी है दो उसको। तो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान दो, अज्ञानी समाज को चंगुलों से बचाओ, जो लोगों को गंध मूलों और भ्रांति में डाल रहे हैं उनसे बचाओ, ज्ञान दो। कहाँ गिरा लिखा है गंधमूल है, ये पत्री है उसमें लिखा है गंधमूल, और पत्री जो है भाई उनके हाथ में होती है और वही लोगों का प्रचार करे, उनका ज्ञान यही है। को पंडित दादा पंडित कहा पंडित हाँ तुम्हारे ऊपर सास होती है, तो उसका ना वेद पढ़े हैं ना शास्त्र पढ़े हैं, एक पत्री पढ़ी है जिसमें अज्ञान भरा पड़ा है। भाई बचो उनसे, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, प्रभु जी की रामायण पढ़ो, तुलसीदास की रामायण पढ़ो, वाल्मीकि की रामायण पढ़ो, हमारे भंडार है ज्ञान का। भाई एक पत्री है जिसमें भी है तुम्हारे ऊपर दिया गया है, तुम इस दशा में पैदा हो, तुम्हारे ये हो, ये आज हिंदुस्तान की हिंदू जनता इसमें फंसी हुई है, पाठ नहीं करती। अगर तुम्हारे भावना है करो कुछ, जैसे हम गीता पढ़ते तो होशियारपुर है, हर एक अपने गांव है, वहाँ ऐसे सत्संग होते रहे आपस में, कोई पंडित की जरूरत नहीं है, गीता खुद ही पंडित है, गीता बड़ी कोई पंडित हो गया होगा, आसान भाषा में सब कुछ है, किसी की जरूरत नहीं जो वहम डाल दिया उनका। आज तो लोगों ने गीता भी लिख दी, बाजार में बिक रही है, ये अध्याय पढ़ोगे तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, ये अध्याय पढ़ोगे तुम्हारे ब्याह होगा, ये अध्याय पढ़ोगे तुम्हारा ये होगा नौकरी मिल जाएगी, गीता पहले लिखा और बोलो अध्याय वालों गीता चाहिए लिखो, और वो पढ़ते हैं आज कौन सा पढ़ते हैं, तो वो किन्होंने छापी है, वो भी पढ़ते छापी है,
जो अपने विद्वान होने का दावा करते भगवान किसी को भी पूछ लगे तो भगवान किसी का दया है, इसलिए हम ऊपर आए, इसलिए हम ये निकाल उसका निचोड़ तो निकालते हैं कि कर्मयोग करो और कर्मयोग से तुम्हारा मुक्ति मिलेगी। वो कहते हैं नहीं, इस गीता पढ़ने से तुम्हें नौकरी मिलेगी। क्या तो इनसे बचे, कैसे बचे? कुछ करना होगा। जो पढ़ी लिखी बहने हैं या भाई हैं, जगह जगह इस तरह के शासन करें। वो वक्त था जब वो तो हमारी मासा जी तो थी, मतलब जब हम बच्चे थे, जब दोपहर होते थे आराम नहीं करते थे, ये सत्संग में जाना और तो सत्संग होते थे, वो सारी चीज लुप्त हो गई, जैसे कोई दाव था। और वहाँ क्या करते थे, वो पंडित नहीं था, फिर में भागवत रामायण पाठ करती और कुछ लेके आती। आज वो भी लुप्त हो गया। भाई शाम को हम देखें, शाम को कथा होती, वो 80 पंडित होते थे, रामायण गीता महाभारत काली का कथा सुनाते। ये शरण कुमार क्यों बड़ा नाम इसका, रामचंद्र जी क्यों इतना उनका उपदेश लगते, ऐसे ऐसे उपदेश। आज वो भी लुप्त हो गए। तो किसने करना है? वो ब्राह्मण जिनको पूछा, वो तो भूखे पैसे के भूखे हो गए, और वो पत्री के पंडित हो गए। वो शास्त्रीय पंडित नहीं, पत्री के पंडित है। क्योंकि बंदर पे जाओ, कोई बात पूछो, ज्ञान की बात करेगा, पत्री देखेगा नहीं, वो पत्री उनका शास्त्र बन गया। क्या तो आज दिन के पास ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, बहने हैं, भाई हैं, वो अपने सर्कल में कोशिश करें, रोज 2 घंटे घंटा 8 घंटा निकाल लें, आप उसकी चर्चा करें। एक शहर में एक नहीं 10 होने चाहिए, लोग इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, छोटे ग्रुप में होते हैं, मगर एक भी नहीं करने कोशिश करें। हम जब कहते हैं नेत्री करके आओ तो कुछ मान लेते हैं, भाई हम सत्संग जा रहे हैं, नेत्री करके जाएंगे, योग आश्रम में जा रहे हैं, और हो सकता है इस बात को भी कुछ असर हो जाए कि आप अपने घर में आधा घंटा अपने परिवार को में गीता का रामायण का पाठ किया करें, 1 घंटा आधा घंटा, और शुरू हो जाए तो पड़ोस वाले भी आ जाएंगे। तो शहर के अंदर ये ज्ञान की चर्चा चलेगी, और जब ज्ञान चलेगा तो अज्ञान भाग जाएगा। जब बिजली जाती है अंधेरा भाग जाता है, जो अंधेरा जो है ना, पूछा अंधेरा असली है या चलना असली है, वो आप भी सोचेंगे अंधेरा असली है, चलना है तो अंधेरा जाता है, आज सूर्य खत्म हो जाए अंधेरा ही अंधेरा, अब सर्दी है देखो रात भागे, अंधेरा असली है, चलना जाना पड़ता है। तो ये न समझो कि लोग ज्ञान है, ज्ञान कहीं नहीं है, अज्ञान ही अज्ञान है। अगर ज्ञान असली हो तो स्कूलों कॉलेजों की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही कहना था, मैं ज्ञान बनाना पड़ता है, ज्ञान के कारण बिजली आई भौतिक ज्ञान, और ज्ञान के कारण तो पता होगा कि हमें जीवन को ये यम नियम पर कैसे चलना, वो ज्ञान है शास्त्र।
तो अब ज्ञान के अग्रणी बने हैं, प्रभु जी का भगत है, जो कुछ करना चाहते थे और जो करना चाहते हैं भगवान का कार्य करें ही भगवान की कृपा भी होगी। दान दिए धन बने, ये बात है, जो समाज के दान रखता है उसका दान सट जाता है। एक जल्दी माई थी, हम गए उनकी कीमत कह रही काफी हो गए, दीपक भाई तो हमारा तो ज्ञान है ना, इसको दीपक भाई तुम्हारे रखे हैं, तो इसलिए हमें ज्ञान को समझना चाहिए, ज्ञान और बढ़ेगा। जब हम पढ़ाते हैं जब इसका करते हैं, करते करते हमारे विचार और प्रवृत्ति होती है, जो चीज़ हमें नहीं पता थी उसमें वो भी निकल आती। जैसे पैसे को बैंक में रखने और इंटरेस्ट हो जाता है, ऐसे जब हमारा अनुभव है लिखने लिखते थे और विचार सुझ जाते हैं, लिखते जा लिखे आगे कम चलती है। जब कोई बात ज्ञान करते हैं और अंदर सुझती है इंटरेस्ट होता है उसका, पर करेगी ना वो थम जाएगा, वो जो आया वो भूल जाएगा। तो इसे भाई बहन आपसे प्रार्थना, आधा घंटा हो गया कि हम समाज के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए और लोगों को भ्रांति से बचाने के लिए अपने शास्त्रों का उपदेश देने का लेने का आश्रम ही है, मंदिर ही है, हमारा घर भी बने, बच्चे कहाँ से सीखेंगे। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से ज्ञान नहीं मिलता ना, जो मिलता ठीक है गलत है जो भी है, लेकिन वो चीज़ मैं बह रहा हूँ वो नहीं मिलता, तो कहाँ से मिलेगा। आप अपने घरों में कोई कोशिश करेंगे, बच्चे भी सुधरेंगे और कुछ हमारा पुण्य भी होगा, दूसरे को लगेगा। तो कोशिश करनी चाहिए, यत्न करना चाहिए और एक और भी बात है, किसी को हमारे घरों में ऐसी बात नहीं है, बच्चों को उपदेश ही नहीं देता, बच्चे बाहर से उपदेश लेके आते हैं कि भाई शराब पीने से तेरा लाल हो जाता है, मैं भी लाल करूँगा, वो ऐसी बात सीख लेता है, चोरी की बात सीख लेता है, वो करता है भाई घर में आए कुछ उनके गार्जियन से हो तो ऐसे चंगे में नहीं बन सकेगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो हो जाएगी। और उसने ने कहा था कि बच्चा अच्छा हो तो बाप स्वर्ग में जाएगा, गीता नहीं है कि अर्जुन कहते हैं अगर हमने सब कुछ किया लड़ाई लगी हमारे बुजुर्ग पृथ्वी लोग से गिर जाएंगे, स्थितियाँ खराब हो जाएंगी। ये ठीक है क्या रखा था, हम भी कहते हैं एक बच्चा अपने अच्छा बच्चा अपने सात कुलों को साथ देता है, तो लोग दुकान पर लोग ठीक है, और अगर एक अच्छा बच्चा सात कुलों के साथ हुआ एक गंदा बच्चा सात कुलों को गिरा भी सकते हैं। तो हमारा फर्क अगर आपका बच्चा खराब है तो समझो आपका आगा बिगड़ गया, आप चाहे दस कितना जाप तप करें उसका प्रभाव कम होगा, बच्चे के पाप का प्रभाव ज़्यादा होगा और आप गिर गए। ये आपका फर्ज भी है, और ये फर्ज कैसे हो सकता है घर में अध्यात्मिक बात करने का।
हम बच्चों को भी शिक्षा दो और वो शिक्षा देते थे, आप घर शरीर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा, बन जाएगा और आपका जीवन और बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। बोल सच्चिदानंद महापुरुष।